दोस्तों हमारी वर्कशॉप पे आई है एक्टिवा 2012 मॉडल, और ये गाड़ी जो है 95,000 किलोमीटर चली हुई है, देख सकते हैं आप। और आज इसके इंजन का काम होना, वो क्यों होना है वो हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी क्या कर रही है। ये देख सकते हैं आप कितना स्मोक कर रही है। इसके इंजन का काम करेंगे, आइए खोल। कंडीशन तो हमारी ठीक है, इसमें ये सब सामान खराब निकला, इसका पिस्टन इसका सीज मारा हुआ है बिल्कुल। तो सिलेंडर गेट चेंज करेंगे, इसकी वेरिएटर पैड, रॉकर, केम, वाल इसके डेड हैं बिल्कुल, वाल ख़त्म पड़े हैं बिल्कुल इसके। ये देखिए वाल बिल्कुल ख़त्म है इसके, वाल चेंज करेंगे इसके, कैम रोकर वगैरह सब चेंज करेंगे। अब इसे लेथ पे भेजते हैं फिर फिट करते हैं। तो दोस्तों हमारा सारा सामान वॉश हो चुका है, क्लच वगैरह सब चीज़ वॉश हो गई है, और खैरात पे भी सामान जो गया था वो आ गया है। वाल इसमें ग्रैंड हुए हैं, और इसमें एक इनलेट वाले वाल की गाइड डली है, एग्जॉस्ट की सही थी, इनलेट की डली है। ये हमारे कैम रोकर, सिलेंडर की टाइमिंग चेन, सील, हेड की रबड़ और वेरिएटर बेल्ट वगैरह सब चीज़ कंप्लीट है। अब हमें इसे सिर्फ फिट करना है, और ये हमारा पुराना सामान है सारा जो हमने इसमें से निकाला है। और इधर हमने इंजन भी पूरा वॉश कर दिया है, ये इसकी स्टड की चूड़ी ख़राब थी, चूड़ी भी बनवा दी, और इधर से भी इंजन वॉश कर दिया।
सकते हैं आप हमारी गाड़ी, इसका इंजन वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें स्मोकिंग है या नहीं है। और ये भी देख सकते हैं आप, ये गाड़ी भी वही है, 95,000 चली हुई। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप चाहते हैं कि मेरे पास से आए, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं।